Hello and welcome students, welcome to our science session. And today is our day 2 or part 2 of our science lecture. So in previous lecture we learned about some process, reproduction, hatching and incubation. So हमने पिछले session में देखा कि reproduction किसे कहते हैं, hatching किसे कहते हैं और incubation किसे कहते हैं. अब हमें आज देखना है, eggs of some animals do not directly hatch into young ones. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली हैच नहीं होते हैं. तो देखते हैं क्या है. इन मोस्ट इंसेक्ट्स एंड इन फ्रॉग्स द यंग वंस दैट हैच फ्रॉम द एग्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स. देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे में से जब बाहर आते हैं तो उनके पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो अंडे में से बाहर आते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते. फॉर एग्जाम्पल द एग ऑफ अ बटरफ्लाई हैचेस इनटू अ टाइनी एंड विंगलेस लार्वा नोन एज कैटरपिलर. देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब बटरफ्लाई का जो एग होता है उसमें से जब बाहर आता है उसका बेबी, तब वो जो बेबी होता है वो बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखता है. तो क्या होता है, वो जब हैच होता है उसका है एक, तो वो लार्वा या फिर कैटरपिलर की तरह दिखता है. और कैटरपिलर कैसे दिखता है, इस तरह. देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में कैटरपिलर बताया. अब ये कैटरपिलर आपको बटरफ्लाई के जैसे दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? नो, लेकिन ये बटरफ्लाई का यंग वन है. तो देखते हैं, द कैटरपिलर डज नॉट लुक लाइक द अडल्ट बटरफ्लाई. जो अडल्ट बटरफ्लाई होता है उसकी तरह नहीं दिख रहा है ये. द कैटरपिलर इट्स द लीव्स ऑफ द प्लांट इट इज बॉर्न ऑन टू एंड डेवलप्स इनटू प्यूपा व्हेन देन ग्रोज इनटू एन अडल्ट बटरफ्लाई. तो जब ये अंडे से बाहर आता है कैटरपिलर, जिस लीव पर वो बाहर आता है अंडे से, उस लीव को पहले वो क्या करता है, ईट करता है ना. देन फिर किसमें, प्यूपा में डेवलप होता है, और प्यूपा में डेवलप होने के बाद वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बनता है. हमें बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल डिटेल में डिस्कस करनी है. नाउ लेट्स डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. देखो यहाँ पर बुक में आपको लाइफ साइकिल दी है. सो लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कैटरपिलर से. देखो यहाँ पर लीव दिख रही है, लीव पर ये क्या दिख रहा है, कैटरपिलर दिख रहा है. जब अंडा हैच होता है अंडे में से कैटरपिलर बाहर आता है. देन फीड्स मतलब मैंने पहले ही बोला, जिस लीव पर वो बाहर आता है अंडे में से उस लीव को वो पहले क्या करता है, खाता है. फिर क्या होता है, खाने के बाद कैटरपिलर ग्रोथ, जब उसे फूड मिलता है तो वो ग्रो होने लगता है. देन फॉर्म्स अ प्यूपा. देखो फिर बाद में प्यूपा में कन्वर्ट होता है. अब प्यूपा में कन्वर्ट होता है मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कैटरपिलर है वो वापस एक क्या करता है, उसके आजू बाजू में एक आउटर शेल, एक कवर बना लेता है और उसके अंदर चला जाता है. देन डेवलप्स इनटू, बाद में जैसे अंडे के अंदर बेबी डेवलप होता है वैसे ही इस प्यूपा क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद एक अडल्ट बटरफ्लाई आपको देखने को मिलता है. देखो यहाँ पर क्या है, फीमेल बटरफ्लाई लाइन एग्स, यहाँ से आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है. पहले फीमेल बटरफ्लाई एग्स देती है, फिर कैटरपिलर होता है उसका, कैटरपिलर लीव खाने के बाद बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने के बाद क्या करता है वो प्यूपा बनता है, उसके आजू बाजू वो आउटर सिल्क आउटर कवर बना लेता है, उसके अंदर ग्रो होता है और फिर एक अडल्ट बटरफ्लाई होके बाहर निकलता है. सो दिस इज द ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. नाउ नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. जो मेंढक होते हैं उनकी लाइफ साइकिल अभी हम देखते हैं. फ्रॉग ले एग्स इन वॉटर. फ्रॉग्स कहाँ अंडे देते हैं, वॉटर में. द एग्स हैच इन टू टैडपोल्स. देखो जो एग्स होते हैं वो टैडपोल में हैच होते हैं. अब टैडपोल क्या है ये अभी हम देखेंगे आगे. टैडपोल्स डू नॉट हैव लेग्स. ये जो टैडपोल होते हैं उन्हें पैर नहीं होते हैं. दे लुक मोर लाइक टाइनी फिश एंड लिव इन वॉटर. छोटे छोटे फिश के जैसे, मछली के जैसे वो दिखते हैं और पानी के अंदर ही रहते हैं. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. और गिल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं. आफ्टर अ फ्यू वीक्स टैडपोल डेवलप्स इनटू अडल्ट फ्रॉग. कुछ दिनों बाद जो टैडपोल होता है वो फ्रॉग के अंदर डेवलप होता है. देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये एग्स है फ्रॉग के. देन क्या होता है, टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू इट्स
गिल्स लाइक फिश। जैसे फिश ब्रीथ करते हो, हमने देखा प्रीवियस लेसन में फिश कैसे ब्रीथ करते हैं, वैसे ही टैडपोल क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, है ना। इस तरह से देखो, इस टैडपोल को लेग्स नहीं है और ये वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। देन लेग्स एंड लंग्स बिगिन टू ग्रो, धीरे धीरे लेग्स धीरे धीरे लेग्स और लंग्स क्या होने होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। देखो ये लेग्स दिख रहे हैं आपको, ओके। देन नेक्स्ट द टेल श्रिंक्स एंड द टैडपोल कैन ब्रीथ थ्रू इट्स लंग। ये जो टेल होती है वो श्रिंक होने लगती है, श्रिंक होने लगती मतलब धीरे धीरे छोटी होने लगती है, और जो टैडपोल होता है वो उसके गिल्स के और सॉरी उसके लंग्स के थ्रू ब्रीथ करने लगता है, और बाद में धीरे धीरे कुछ दिनों बाद अडल्ट बटरफ्लाई सॉरी अडल्ट फ्रॉग हो जाता है। फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन वाटर, और पहली स्टेज वापस से क्या होता है, जो फीमेल फ्रॉग होता है वो अंडे देता है, फिर टैडपोल होता है, टैडपोल को लेग्स नहीं होते हैं और उनके गिल्स के थ्रू वो सांस लेते हैं, धीरे धीरे लेग्स डेवलप धीरे धीरे लेग्स डेवलप होने लगते हैं, लंग्स डेवलप होने लगते हैं, फिर बाद में जो टेल होती है उसकी वो श्रिंक होने लगती है, वो श्रिंक होने के बाद टैडपोल जो होता है वो उसके लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है और फिर अडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो हमने दो लाइफ साइकिल स्टडी की, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई और लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। नाउ पेज नंबर 61 पर ही कुछ इन क्लास में आपको ये क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन सॉल्व करना है। तो देखते क्या है, द एग्स ऑफ अ बटरफ्लाई हैच इनटू, जब बटरफ्लाई का अंडा हैच होता है तो क्या होता है, कैटरपिलर या टैडपोल? यस इट इज कैटरपिलर। और टैडपोल ब्रीथ थ्रू, जो टैडपोल होता है वो किसके थ्रू ब्रीथ करता है, ब्रीथ गिल्स। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द एग्स ऑफ बर्ड्स वार्म इज कॉल्ड, अंडा को गर्म रखने की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, हैचिंग या इंक्यूबेशन? यस इट इज इंक्यूबेशन। हैचिंग मतलब अंडे में से यंग वन बाहर आना। स्नेल्स एंड लिजर्ड्स गिव बर्थ टू यंग वंस या अंडे, स्नेल्स और लिजर्ड्स जो है वो अंडे देते हैं या यंग वंस को जन्म देते हैं? यस वो अंडे देते हैं। सो ले एग, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में टिक करना है। नाउ नेक्स्ट इज टर्न द पेज, पेज नंबर 62। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, जो मैमल्स होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। मैमल्स एंड एनिमल्स दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, अब मैमल्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैमल्स मतलब ऐसा एनिमल्स जिनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं, वो जो मैमल्स होते हैं वो डायरेक्टली यंग वंस बच्चे को जन्म देते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस विच डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी आफ्टर बर्थ फॉर सम टाइम द बेबी फीड्स ऑन मदर्स मिल्क। देखो स्टूडेंट्स, जो वो यंग वंस होते है ना, मैमल्स जो है वो यंग वंस को जन्म देते हैं, लेकिन जो जैसे कि बर्ड्स का हमने देखा जो एग के अंदर है ना, एग के अंदर वो बेबी डेवलप होता है, उसकी ग्रो होती है, वैसे ही मैमल्स के जो यंग वंस होते हैं, मैमल्स के जो बच्चे होते हैं उनकी जो बेबी की ग्रोथ होती है, जो बेबी डेवलप होता है वो कहाँ डेवलप होता है, उनके उसके मदर्स के बॉडी में, मतलब मम्मी जो होती है उनके बॉडी में। आफ्टर बर्थ फॉर सम टाइम द बेबी फीड्स ऑन मदर में, और जब जन्म होता है बच्चे का तो जो बच्चा होता है वो मदर, जो मदर के मिल्क पर फीड होता है, मतलब उसका जो खाना होता है उस बेबी का क्या होता है, माँ का जो दूध होता है वो। यस देन मंकीज माइस कैट्स डॉग एलिफेंट डॉल्फिन बैट व्हेल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स, ये जो सारे ये मैमल्स है, हम भी ह्यूमन बींग्स भी क्या है, मैमल्स है। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड ऑन ओनली अ फ्यू सच एज डॉल्फिन्स व्हेल्स एंड सील्स लिव इन वाटर, ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं वो लैंड पर अर्थ पर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे है जैसे डॉल्फिन व्हेल्स और सील ये कहाँ रहते हैं, ये पानी में रहते। मैमल्स गिव, तो देखो ये जो है मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे कि मदर है, देखो मदर के हाथ में क्या दिख रहा है, यहाँ पर बेबी दिख रहा है, तो ये देन ये जो एलिफेंट दिख रहा है एलिफेंट के भी यंग वंस है, यहाँ पर टाइगर दिख रहा है टाइगर के भी आपको पिक्चर में यंग वंस दिख रहे हैं। सो हियर डिड यू नो स्टूडेंट, यूजुअल मैमल्स अ प्लैटिपस ले एग्स व्हाइल
a pangolin had scales on its body, the young ones of both these animals feed on their mother milk. देखो ये प्लेटिपस है और ये पैंगोलियन है. जो ये पैंगोलियन है इसके बॉडी के ऊपर हेयर नहीं है, स्केल्स है. ऐसे देखो इसे जो है ना इसे स्केल्स कहते हैं ऐसे. तो इनके भी यंग वंस होते हैं और ये कहाँ पर मदर के मिल्क पर फीड होते हैं. नाउ दिस इज हमारा आज का लेसन क्या हो गया, खत्म हो गया. लेकिन लाइफ स्किल्स मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको उन चीजों की केयर करनी चाहिए. इफ यू सी अ बर्ड्स नेस्ट, अगर आपको बर्ड्स का नेस्ट दिख रहा है, चिड़िया का घोंसला दिख रहा है, तो क्या करना है? डू नॉट डिस्टर्ब द नेस्ट, उस नेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है. मतलब उसे हाथ नहीं लगाना, उस पर क्या स्टोन मारकर नहीं फेंकना, उसे गिराना नहीं. डू नॉट गो क्लोज टू द नेस्ट, ज्यादा पास ज्यादा नहीं उसके. डू नॉट ट्राई टू फीड द चिक्स, जो चिक्स होते जो छोटे बच्चे होते उन्हें खाना खिलाना नहीं चाहिए. अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जो नेस्ट है वो नीचे गिर जाएगा, उनमें जो अंडे है वो टूट सकते. सो ये इस तरह से आपको केयर करनी है. जब भी आप नेस्ट देखोगे तो ज्यादा पास नहीं जाना है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन. आपको इस लेसन में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग ये ध्यान में रखना है. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर. इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ अवर न्यू लेसन. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स.